नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 24 न्यूज। यूपी के मिर्जापुर पुलिस के आगे अपराधी दिखे सरेंडर, कोतवाली शहर में तख्ती लेकर किया अपराध से तौबा। योगी सरकार पुनः बनने पर 30 मार्च को थाना शहर कोतवाली में खौफ ज्यादा अपराधियों ने हाथों में तख्ती लेकर पुलिस अधिकारियों के सामने पेश हुए। उनकी तख्तियों पर लिखा था, अब हम अपराध नहीं करेंगे, हमें सुधरने का मौका दिया जाए। बल्कि ये कहा जाए कि मिर्जापुर में अपर पुलिस अधीक्षक नगर संजय वर्मा और क्षेत्र अधिकारी शहर प्रभात राय के अपराधियों पर अपनी पैनी नज़र हमेशा बनाकर रखा है, जिससे उनके सामने पहुंचे इन अपराधियों में हिस्ट्री सीटर अपराधी भी शामिल हैं। वहीं प्रेस से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर संजय वर्मा ने बताया कि पुलिस समय समय पर अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है और हमारा यह मैसेज है कि अपराधियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, जरूरत पड़े तो गुंडा एक्ट की कार्रवाई भी की जाए। उसके तहत कुछ अपराधी ऐसे भी हैं जो सुधर भी रहे हैं, उनकी एक मंशा थी। उन्होंने कहा कि सर हम सुधर रहे हैं, हमें सुधरने का मौका दिया जाए। पेश है मिर्जापुर से सुधीर सिंह की खास रिपोर्ट। पुलिस समय समय पर जो अपराधी होते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है और निश्चित तौर से हमारा मैसेज है इसके बारे में कि अपराधियों और अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट के तहत, एनएसए के तहत और जो भी हमारी निर्धारित कार्रवाई होती है उसमें हम कर रहे हैं। उसके नज़र में कुछ ऐसे अपराधी होते हैं जो सुधार भी कर रहे हैं, तो उनकी एक मंशा थी कि हमको सर हम सुधर रहे हैं, हमको हमारे पर इस तरह की कोई कार्रवाई ना की जाए, तो स्वयं उपस्थित होकर के इस तरह से उन्होंने अपना एक मैसेज दिया था जिसको आपके सामने आपने देखा लिया। अच्छा, इस तरह का जिले में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि कोई अपराधी बटर अपना थाने पे कह रहे हैं अपराध नहीं करेंगे, इसको पुलिस की क्या सफलता मानेंगे? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं कहूँगा निश्चित तौर से ये एक ऐसी उपलब्धि है जिसमें एक हम मैसेज पहुँचा सकते हैं कि समाज को भी कि हम जो अपराधी हैं वो ना बने और अच्छा कार्य करें, मेहनत से अपना जो है जो भी अपना जीवन यापन करें और अपराध की दृष्टि अपराधी गतिविधियों में लिप्त ना हो, ताकि समाज में एक अच्छा व्यवस्थापन हो सके और समाज में एक अच्छा मैसेज आ सके।